फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति सिंह और लेके आ गई हूं आपके लिए एक नई रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें पकौड़ियाँ बनानी है। उसके लिए हमने ये बेसन ले लिया है और बेसन में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि एक साथ डालेंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। ठीक है, इसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे जिससे कि बेसन अच्छे से सेट हो जाएगा। ये छाछ हमने ले लिया है, इसमें हमने हल्दी, धनिया और 2 स्पून बेसन डाल लिया है। बेसन सेट हो गया है। अब इसी कर देंगे हम फ्लेम कम और अपनी पकौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। पकौड़ियाँ बन गई हैं। चलो अब हम कढ़ी बना लेते हैं। राई या सरसों के दाने भी डाल सकते हैं। अब राई को चटकने देते हैं। अब इसमें डाल देंगे मेथी। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन का कलर ब्राउन हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें प्याज। हम छाछ भी देख लेते हैं इसमें। लाल मिर्च भी डाल देंगे थोड़ी सी क्योंकि लाल मिर्च का कलर आता है, इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा। इसमें भी हम डाल देंगे कलर आने के लिए लाल मिर्च, ये हरी मिर्च। अब हम डाल देंगे इसमें, चलाते हुए डालेंगे कढ़ी को। हम चलाते रहेंगे, फ्लेम हाई कर देंगे जिससे कि कढ़ी में उबाल जल्दी आ जाए। उबाल आना स्टार्ट हो गया है, फ्लेम कर देंगे थोड़ी लो। बहुत अच्छे से उबाल आ गया है और हम इसे पकने देते हैं। हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। फ्रेंड्स, कढ़ी ऑलमोस्ट पक गई है, बहुत अच्छे से पक गई है। और अब हम इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे। थोड़ा सा इसको पकौड़ी डाल के पका देते हैं। ये गैस कर देंगे बंद। मैंने रख लिया है तवा, कसूरी मेथी इसको इस पे डाल लेंगे और इसे हाथ से क्रश करके डालेंगे। सो कैसी लगी ये रेसिपी? हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप वॉच एंड लर्न विद मी।